अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, बिस्तर पर लेटे लेटे करवटे बदलते रहते हैं, लेकिन 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, कई बार 3-4 भी बज जाते हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग जा करके नींद आती है और तब उठने का टाइम होता है और हमारे काम हमें पुकार रहे होते हैं कि यस ये भी करना है, ये भी करना है, और आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हो, उठते हो तो एंड अगला पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम आज बहुत लोगों की है बिकॉज स्ट्रेस एंजाइटी हमारे मन के अंदर घर कर चुके हैं एंड ऐसे में नींद ना आने की प्रॉब्लम लाजमी है। तो क्या करें कि अच्छी नींद आए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ताकि हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रह सकें। यू नो, अच्छी नींद आने के बहुत सारे फायदे हैं, ना केवल स्किन का ग्लो बढ़ता है, ना केवल आप दिखने में अच्छे फ्रेश दिखते हैं, बल्कि ये आपके शरीर को रिजुविनेट करने में भी बहुत हेल्पफुल है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी मशीनरी या शरीर रूपी यू नो इंजन अपने आप को रिपेयर करता है। एंड अगर हम सोते ही नहीं, डीप स्लीप में ही नहीं जाते तो रिपेयर कैसे होगा ये शरीर? बहुत जल्दी हम बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ जाएंगे एंड इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी। तो क्या करें कि अच्छी नींद आए? वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, कुछ योगी क्रियाएं भी बताई हुई हैं जो कि डीप स्लीप के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पूजा कोई एक्सरसाइज ना करनी पड़े, कुछ ऐसा हो जो हमारी टैबलेट का सब्स्टिट्यूट हो। जैसे नींद की गोली खाते हैं और नींद आ जाती है, तो कोई ऐसी खाने की चीज़ नेचुरल हो जो हमें नींद दिला दे। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जो नींद लाने में बहुत बहुत सहायक है एंड ये आपकी लाइफ में फिर से वो हैप्पीनेस ला सकती हैं जो कि नींद ना आने की वजह से कहीं ना कहीं खो गई है। तो पहली चीज़ जो आप बेड टाइम पर ले सकते हैं जिसे नींद आ जाए, और वो है केला। केला कॉमन फ्रूट है, सबके घर में होता है, रोज खाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि केले को खाकर नींद आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। केले में होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, और साथ ही साथ केले में बहुत सारे ऐसे केले में होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रिप्टोफैन, और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स या ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ये फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, ये रिलैक्स देने वाले हॉर्मोन्स होते हैं और नींद लाने में सहायक होते हैं। केला जब आप खाते हैं तो आपकी मसल्स को भी रिलैक्स करता है और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है। लेकिन केले को खाने का तरीका क्या है जिससे नींद आ जाए? जब भी आप बेड पर जाने वाले हों तो उससे आधा घंटा पहले आप एक केला लें, उसको पील कर लें, छिलका मत फेंकिएगा, बताऊँगी उसका क्या करना है। पील कर ले उसको और उस पर एक केले पर तकरीबन 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर आपने स्प्रिंकल करना है। केला काट लें और उस पर सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर लें। केले और सिनेमन का यानी कि दालचीनी का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये नींद लाने में बहुत बहुत सहायक है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं नींद लाने में। दूसरी चीज़, मैंने कहा केले के छिलकों का फेंकिएगा नहीं, इनमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जी हाँ, शाम के समय आप केले के पत्ते की चाय, जी हाँ शाम के समय आप केले के छिलके की चाय पी सकते हैं। ये भी अच्छी नींद लाने में सहायक है, स्ट्रेस दूर करने में सहायक है, मसल्स को रिलैक्स करती है ये चाय। करना क्या है, एक पैन लेना है, उसमें पानी डालना है 1 ग्लास, केले का छिलका डाल देना है, अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, बिना धुले मत यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ कीजिएगा छिलके को, एंड इसे बॉयल करेंगे जब तक कि पानी 1 कप नहीं रह जाता है, और जब पानी 1 कप रह जाए तो आप उसे छान लें। ये केले के छिलके की चाय है जो कि केले से भी ज़्यादा गुणवान है। जी हाँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को भी ठीक करती है, ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही नींद लाने में सहायक है। तो ये 2 रेमेडीज हो गई। तीसरी रेमेडी है इलायची। जी हाँ, इलायची अगर आप दूध में डाल करके लेते हैं विथ सिनेमन, आप 2 इलायची लीजिए, 1 ग्लास गर्म दूध लीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए उनको,
इलायची को कूट के डालना है विद छिलका विद सीड्स एंड एक पिंच सिनेमन डाल दीजिए और ये दूध उबल जाए तो इसे छान लीजिए एंड इस दूध को अगर आप बेड टाइम पर पियेंगे तो नींद अच्छी आती है। जिनकी नींद बार बार टूटती है रात को सोते समय, ऐसा है कि कई लोग सो तो जाते हैं लेकिन सपोज 10 बजे लेटे, 12 बजे फिर नींद खुल गई, 2 बजे फिर खुल गई, तो अगर ऐसे वाली प्रॉब्लम है तो आप इलायची वाला दूध, सिनेमन वाला दूध, ये वाली रेमेडी लेंगे। चौथी रेमेडी है काजू। जी हाँ, जिनको बिल्कुल इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, लाइक आंखें बंद होना ही नहीं चाहती, करने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद आती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप काजू मिल्क लें। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले काजू वाला मिल्क लेना है। कैसे बनाना है, 10 से 15 काजू आप आधी कटोरी दूध में भिगो करके रख दें, सुबह ही भिगो दें अगर रात को ये रेमेडी लेनी है तो, और शाम को आप क्या करेंगे, उस दूध को पीस लेंगे काजू के साथ एंड फिर ये जो काजू वाला दूध है वो हम एक ग्लास दूध में ऐड करेंगे और उसको आप रात को सोने से पहले पियेंगे। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है जिनको नींद नहीं आती है और जिनको बिल्कुल भी बिस्तर पर जाने पर जो करवटें बदलते रहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये सब रेमेडीज़ मैंने आपको बताई, साथ ही साथ जब आप बिस्तर पर लेटें उससे पहले मेक श्योर आप अपने हाथों को, पैरों को और अपने फेस को धो लें। इसे कहते हैं पंच स्नान। ये पंच स्नान बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को ये याद दिलाने के लिए कि येस नाउ दिस इज़ द रिलैक्सिंग टाइम, माय वर्क आवर्स आर कंप्लीट, अभी मुझे सोना है। एंड अपना बिस्तर खुद लगाएं, ये भी बहुत अच्छी आदत है अपने आप को वाइंड अप करने के लिए। जब आप बिस्तर पर लेटें तो आप बैली ब्रीदिंग करें। बैली ब्रीदिंग क्या है, आप पेट में खूब फुला करके, पेट फुला करके सांस लेनी है और जब आप सांस छोड़ें तो पेट बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। ऐसा आप 2-3 मिनट भी करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो ये बैली ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बच्चे सांस लेते हैं ना, बच्चों को सांस लेते हुए देखा, एकदम से वो अपने पूरे लंग्स फिल करते हैं और बैली उनकी पूरी ऊपर चली जाती है जब वो सांस भरते हैं और जब छोड़ते हैं तो बिल्कुल नीचे। तो इस तरह से हम आधी सांसें लेते हैं, इसीलिए ना हमारा माइंड रिलैक्स होता है ना हम अच्छा महसूस कर पाते हैं। तो बैली ब्रीदिंग करें फॉर गुड 2-5 मिनट्स, यू विल सी दैट आपकी आंखें भारी होने लगी हैं, नींद आने लगी है। तो ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं कंज्यूम करने के लिए, इनमें से कोई भी एक दो रेमेडीज जो आपको कंफर्टेबल लगें, जो जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों, वो आप यूज़ करें। साथ ही साथ आप बैली ब्रीदिंग करें, पंच स्नान करें सोने से पहले, अपना बिस्तर लगाएं एंड अपने रूम से बिल्कुल क्लटर को हटा दें, उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी एंड आप रिलैक्स महसूस करोगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अपना करके आप बच्चों जैसी नींद ले सकते हो और नींद की गोली से आप मुक्ति पा सकते हो। वो जो केले और सिनेमन की रेमेडी बताई या जो इलायची की रेमेडी बताई, वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कि आप गोली खाते हो नींद की, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो फॉलो कीजिए ये छोटे छोटे टिप्स और नींद प्रॉपर लीजिए, पूरी लीजिए, ताकि आप अगले दिन रिलैक्स हो सके, ताकि आप अगले दिन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो सकें। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। और मैं आपसे मिलूँगी एक बहुत ही अमदा, बहुत ही नायाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। बाय बाय।